हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बीएसएससी इंटर लेवल या फिर बीएसएससी जीएल 4 की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, हम लगातार रिविजन क्लासेस ला रहे हैं बीएसएससी इंटर लेवल का और बीएसएससी जीएल 4 जो आने वाली वैकेंसी है। फ्रेंड्स, आप ज़रूर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना रिविज़न जो है फ्रेंड्स करते रहें। आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है नवम्बर दिसंबर में निर्धारित है बीएसएससी इंटर लेवल की। तो चलिए फ्रेंड, देर ना करते इसकी शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? आज हम फ्रेंड देख सकते हैं मानव शरीर को आज हम लोग लिए हैं। मानव शरीर से जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक या दो प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है, मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती है। तो फ्रेंड्स, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? तो ये होती है 8। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य का हृदय धड़कता है। तो फ्रेंड्स, मनुष्य का हृदय जो धड़कता है तो देख सकते हैं 72 बार प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन आपको पहले से आ रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन इसमें नए भी आपको देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स, एग्जाम में जो है इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपको आने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर, यानी स्वस्थ मनुष्य की जो है श्वसन दर कितनी होती है? तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स 16 से 18 बार, ये जो है फ्रेंड्स 1 मिनट का दिया गया है। 1 मिनट में आदमी जो है 16 से 18 बार तक सांस ले सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, मस्तिष्क का वजन होता है। तो मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम तक। काफ़ी अच्छे प्रश्न है। अगला प्रश्न जो एग्जाम में सबसे अधिक पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, सबसे बड़ी हड्डी यानी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर कहलाती है। ये फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो जांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है सबसे छोटी हड्डी। तो फ्रेंड्स, सबसे छोटी हड्डी का नाम जो है वो स्टेपीज है। ये कहाँ पाई जाती है? तो मध्य कर्ण में, यानी ये कान की हड्डी है फ्रेंड्स, कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, शरीर की जो है सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी जो है फ्रेंड्स वो क्या होती है? जबड़े की हड्डी होती है। काफ़ी अच्छे प्रश्न है। अगला प्रश्न है शरीर का सबसे कठोर तत्व है। तो फ्रेंड्स, ये कठोर तत्व जो है एनामिल कहलाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है, यानी मनुष्य के फ्रेंड्स सौंदर्य का जो है देख सकते हैं अध्ययन क्या कहलाता है? आपसे इसे ये पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केलोलॉजी। अगला प्रश्न है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, यानी कोई भी साधारण पुरुष जो है फ्रेंड्स उसका रक्तचाप, यानी मनुष्य का जो है कितना, पुरुष या स्त्री कोई भी, उसका रक्तचाप जो है कितना होना चाहिए? 120 बाय दे सकते हैं 80। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय, यानी रक्त जो है परिभ्रमण में लगा समय फ्रेंड्स कितना होता है, कितना समय लगता है? तो ये मात्र जो है 23 सेकंड लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड क्या है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा तो ये होती है 65 से 80% देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है, यानी शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है रक्त की मात्रा? तो ये होता है फ्रेंड 7%, यानी 7%। अगला प्रश्न है मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है लीटर में पूछा है फ्रेंड, तो ये 5 से जो है 6 लीटर स्वस्थ मनुष्य में जो है इतनी रक्त की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है मानव रक्त यानी क्षारीय होता है का पीएच मान कितना होता है? मानव का रक्त पहली बात तो फिर क्षारीय होता है, उसका पीएच मान पूछा जा रहा है, तो ये जो है 7.4 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं फिर, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जरूर देखना चाहिए फिर ये चीज़ों को। अगला प्रश्न देखते क्या है, रक्त को शुद्ध करता है। तो रक्त को शुद्ध कौन करता है? ये करता है फिर किडनी, जिसको वृक्क कहते हैं। अगला प्रश्न है लाल रक्त कण का निर्माण होता है, तो लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है फ्रेंड्स? ये अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है लाल रक्त कण का जीवन काल, देखिए फ्रेंड्स आपसे जीवन काल पूछा है, तो लाल रक्त का जीवन काल जो है 20 से 120 दिन तक होता है। उसी तरह फ्रेंड
श्वेत रक्तकण का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन मात्र होता है। काफी अच्छे प्रश्न है, श्वेत रक्तकण का जो जीवन काल 2 से 4 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। प्रश्न है श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, तो श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कण को कहा जाता है, तो फ्रेंड्स को क्या कहा जा सकता है, जो है इरिथ्रोसाइट, लाल रक्त कण को यही कहा जाता है। अगला प्रश्न है शरीर का ताप नियंत्रण यानी शरीर का जो है तापमान नियंत्रण होता है किसके द्वारा? तो फ्रेंड्स ये होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है सर्वदाता रक्त समूह, यूनिवर्सल डोनर इसको कहते हैं फ्रेंड्स, तो ये जो है ओ ग्रुप वाले को कहा जाता है। अगला प्रश्न है सर्वग्राही रक्त समूह यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर इसको कहा जाता है, तो ये ए बी ग्रुप वाले को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। ब्लड बैंक कहलाता है यानी ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो ये पीलिया को कहा जाता है फ्रेंड्स, इसको जो है स्प्लीन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो भोजन का पाचन पाचन जो है फ्रेंड्स सॉरी ये मुख से ही शुरू हो जाता है, तो आंसर इसका मुख से होगा। अगला प्रश्न है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है पित्त जो बाइल है स्रावित होता है, यानी पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो फ्रेंड्स ये अकृत द्वारा स्रावित होता है, और ये जमा कहाँ होता है? तो ये पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होता है फ्रेंड्स? ये पित्ताशय में जमा होता है। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ग्रंथि की बात होती है फ्रेंड्स, तो यकृत यानी लीवर होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो अंग में जो है फ्रेंड्स त्वचा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा अंग की जब बात हो रही है फ्रेंड्स तो ये त्वचा होगा। सबसे छोटी ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रक्तचाप मापने का यंत्र है, तो ये फ्रेंड्स जो है स्फिग्मोमीटर होता है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है, तो फ्रेंड्स ये 12 जोड़ी पसली मनुष्य में पाई जाती है, काफ़ी अच्छे प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या, तो ये 206 हड्डी होते हैं, सभी को पता है फ्रेंड्स ये चीज़ें। मांसपेशियों की कुल संख्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 639 होती है, यानी मनुष्य के शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या पूछी जाए फ्रेंड्स तो 639। अगला प्रश्न है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो ये फ्रेंड होगा टाइलिन। अगला प्रश्न है लिंग निर्धारण होता है, तो फ्रेंड्स लिंग निर्धारण किस पर होता है? तो ये पुरुष क्रोमोसोम पर, याद रखेंगे। मनुष्य का हृदय होता है, तो ये 4 कोष्ठकीय होता है फ्रेंड्स, इसमें मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं शरीर में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स ये जो है 23 जोड़े होते हैं, जिसको 46 गुणसूत्र इसको बोलता है, तो 46 गुणसूत्र होता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो फ्रेंड जब कोशिका शरीर की पूछी जाए तो ये तंत्रिका कोशिका होता है, ग्रंथि पूछी जाए फ्रेंड तो लीवर यकृत होता है। अगला प्रश्न है RH फैक्टर की खोज करता है, कौन है इसकी खोज करता? देखते हैं फ्रेंड्स लैंडस्टीनर एवं वीनर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड RH फैक्टर। अगला प्रश्न है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है, तो कितनी है? ये 20 है। अगला प्रश्न है शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, तो फ्रेंड्स प्रतिदिन जो है मूत्र कितना बनता है? 1.5 लीटर, 1.5 लीटर के करीब बनता है। अगला प्रश्न है मूत्र दुर्गंध देता है, तो दुर्गंध किसके कारण होता है फ्रेंड्स? तो ये जो है यूरिया के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। मानव मूत्र जो है अम्लीय का पीएच मान होता है, मानव मूत्र अम्लीय होता है, उसका पीएच का मान कितना होता है फ्रेंड? 6 होता है। अगला प्रश्न है विटामिन ए संचित रहता है, तो विटामिन ए संचित कहाँ रहता है? यकृत में, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत में। अगला प्रश्न है शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? देख सकते हैं फ्रेंड 98.6 डिग्री फारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में देख सकते हैं 310 केल्विन दिया है, तो काफ़ी अच्छे प्रश्न है, तीनों में मान दिया हुआ है। अगला प्रश्न है टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए,
ये पेड़ में पाई जाती है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो ऊतकों का निर्माण कहाँ से होता है फ्रेंड्स? ये प्रोटीन से होता है, शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है, तो मस्तिष्क का बड़ा भाग जो है फ्रेंड्स ये कहलाता है प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम। अगला प्रश्न है दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, तो ये फ्रेंड आवश्यक तत्व क्या जाएगा? कैल्शियम एवं फास्फोरस। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।